अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम बाइनरी में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और इसके लिए हमने बुक के क्वेश्चंस कॉपी किए हैं। बुक का क्वेश्चन 6.12, 6.14, 6.17। सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली जो इसके रूल्स हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे या मेमोराइज करेंगे। फर्स्ट रूल हमारे पास खास क्या है कि अगर के सेम डिजिट सब्ट्रैक्ट करवाए जाएँ तो हमें बोरोइंग की ज़रूरत नहीं होती। ज़ीरो से ज़ीरो बोरो, ज़ीरो से ज़ीरो सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ बोरो नहीं होगा, रिजल्टेंट इज ज़ीरो। वन में से वन सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, सेम वैल्यू है, वन में से वन गया, रिजल्टेंट इज ज़ीरो। तो पहला रूल क्या है कि अगर के सेम वैल्यूज़ होती हैं तब हमें बोरो करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा रूल हमारे पास क्या है कि वन ज़ीरो से मैं सब्ट्रैक्ट कराऊँ वन को, तो सिचुएशन क्या आ रही है, सिंगल ज़ीरो। तो सिंगल ज़ीरो जब अपने बराबर से वन बोरो करता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू। इसकी लॉजिक क्या है कि जब ज़ीरो वन से बोरो करेगा तो नॉर्मली वो क्या बन जाता है, ज़ीरो ने जब वन बोरो किया तो वो क्या हो गया, टेन बन गया। और अगर मैं इसको रिवर्स डेसिमल में लेकर जाऊँ तो इन बाइनरी टू इज़ इक्वल टू टेन, तो ये जो टेन बना है तो वो रिवर्स होकर वो हमारे पास क्या आ जाता है, टू आ जाता है। तो जो हमारा सेकंड रूल सब्ट्रैक्शन के लिए है वो क्या है कि जब सिंगल ज़ीरो बोरो करता है तो वो ज़ीरो ज़ीरो नहीं होता, बल्कि वो बोरो करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, टू में कन्वर्ट हो जाता है, और जो उसकी बैक पर प्रीवियस वन होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में टू में से जब वन माइनस हुआ तो रिमाइंडर आ गया वन, बैक पर सिर्फ ज़ीरो रह गया, उसे हम नोट डाउन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा पहला रूल था कि सेम सिचुएशन में बोरो करने की ज़रूरत नहीं है, सेम सिचुएशन जब सब्ट्रैक्ट कराती है तो रिजल्टेंट क्या बन जाता है, ज़ीरो। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब सिंगल ज़ीरो बोरो करता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, टू में कन्वर्ट होता है। अब हम चलते हैं कि अगर ज़ीरो सिंगल नहीं है, इट मे बी दो ज़ीरो हो या तीन ज़ीरो हो, चार ज़ीरो हैं, सो एंड सो, जितने भी ज़ीरो होंगे जब वो बोरो करेंगे तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, पहले इस ज़ीरो को ज़रूरत है तो ये अपने पड़ोस में जाएगा, फिर ये कंटिन्यूशन से ये सीरीज़ यहाँ तक जाएगी, तो जब ये वाला वन ज़ीरो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा ज़ीरो के पास तो ये ख़ुद क्या बन जाएगा, टू। और जब ये टू मज़ीद आगे फॉरवर्ड करेगा कैरी तो फिर ये ख़ुद क्या रह जाएगा, वन। तो सिचुएशन हमारे पास क्या बनती है कि जब कंटिन्यूस ज़ीरो होते हैं तो लास्ट वाला ज़ीरो है जो है वो क्या बनता है, किस पोजिशन पर आ जाता है, टू की पोजिशन पर आ जाता है, और उसकी बैक पर जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सब क्या रह जाते हैं, वन। और लास्ट बैक पर जो वन था वो खुद क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो कंटिन्यूस सिचुएशन में कि जबकि मोर देन वन ज़ीरो हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो लास्ट वाला ज़ीरो होता है वो बोरोइंग के बाद टू को शो करता है, और उसके बैक पर जितने भी ज़ीरो हैं वो तमाम के तमाम ज़ीरो जो हैं वो किस पोजिशन को शो करेंगे, वन को शो करेंगे, और लास्ट इनकी बैक पर जो जीरो वन होता है वो खुद कुछ क्या शो करता है, ज़ीरो की पोजीशन को शो करता है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये ज़ीरो बोरो करने के बाद किस में कन्वर्ट हुआ, टू में कन्वर्ट हुआ, और टू से वन को माइनस कराया तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया वन। तो अब ये वाला ज़ीरो जो है वो बोरोइंग के बाद वन की सिचुएशन में आया था, वन माइनस वन सेम पोजिशन सेम नंबर जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो रिजल्टेंट क्या आ जाता है, ज़ीरो। वन में से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा, वन वन और ये ज़ीरो। तो बेसिकली हमारे पास तीन रूल्स थे सब्ट्रैक्शन के जिनको हमने पहले डिस्कस कर लिया, अब इन्हीं तीन रूल्स की बिहाफ पर हम अपने क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डबल वन ट्रिपल वन ज़ीरो से हमें सब्ट्रैक्ट करवाना है वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन को। पहले ही हमारी सिचुएशन क्या आ गई कि ज़ीरो से हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं वन को, और अभी हमने रूल क्या डिस्कस किया था कि जब सिंगल ज़ीरो बोरो करता है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू टू, जब ये वन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया तो ये ज़ीरो के किस में कन्वर्ट हो गया है, टू में कन्वर्ट हो गया है, और ये वाला वन चूंकि ट्रांसफ़र हो चुका है तो ये वन अब से फर्स्ट से ज़ीरो की वैल्यू को शो कर रहा है, तो टू में से वन माइनस किया, रिमाइंडर इज वन।
जीरो जीरो सेम डिजिट है, सेम डिजिट की सिचुएशन में हमें बोरो करने की जरूरत नहीं होती। जीरो माइनस जीरो इज जीरो। अगेन सेम डिजिट आ गए वन एंड वन, तो सेम डिजिट में हम बोरो नहीं करते। वन से वन माइनस किया, रिजल्टेंट इज जीरो। ऊपर का नंबर ग्रेटर देन की पोजीशन में है वन, वन में से जीरो को माइनस किया वन। सेम नंबर वन में से वन को माइनस किया, रिजल्टेंट इज जीरो। रिमेनिंग वन कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वन इज वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ट्रिपल जीरो वन से सब्ट्रैक्ट करवाना है डबल वन जीरो को। हमारे जो रूल्स हैं उन्हीं रूल्स को मेमोराइज करते हुए हम इस सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे। ग्रेटर नंबर ऊपर नंबर लिखा हुआ है, तो वन में से जीरो माइनस का किया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया वन। अभी जो हमने सिचुएशन डिस्कस की थी थर्ड सिचुएशन के कंटिन्यूस जीरो, तो कंटिन्यूस जीरो जब बोरो करते हैं तो लास्ट वाला जीरो किस में कन्वर्ट होता है, टू में। बैक पे जो जीरो मौजूद है दे विल बी वन, और लास्ट इसकी बैक पर जो वन होगा इट विल बी जीरो। तो इन्हीं रूल की बिहाफ पर हम अपने सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जीरो जो था बोरो करने के बाद टू में कन्वर्ट हुआ, टू में से वन माइनस किया, रिमाइंडर हमारे पास आ गया वन। सेम डिजिट वन माइनस वन, रिजल्टेंट इज जीरो। यहाँ हमारे पास क्या है, जीरो कन्वर्ट हो चुका था वन में, कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही, तो वन एज वन। बैक पर रह गया है जीरो, उसे नोट डाउन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो, सब्ट्रैक्ट कराना है हमें जीरो वन जीरो वन जीरो वन। सेम नंबर्स में हमें बोरो करने की जरूरत नहीं होती। जीरो माइनस जीरो एस जीरो। अब क्या है कि अब हमारे पास जो अपर नंबर है वो लोअर कंडीशन पे है, लोअर नंबर छोटा नंबर है, जबकि यहाँ जो हमारे पास क्या आ रहा है वन आ रहा है। तो ये दो जीरो जो हैं ये हमारे पास कंटिन्यूस कंडीशन में आ गए, तो ये जीरो बोरो जब करेगा तो लास्ट वाला जीरो क्या बन जाता है, टू बनता है। उसकी बैक पे जो जीरो होता है वो वन कंसिडर हो जाता है, और उसकी बैक पे जो वन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो सिचुएशन हमारे पास क्या बनी, ये जीरो कन्वर्ट हो चुका है टू में, टू में से हमने वन माइनस किया, रिमाइंडर इज वन। ये जीरो कन्वर्ट हो चुका था वन में, वन में से जीरो गया, रिमाइंडर इज वन। अब ये वन बोरो देने के बाद खुद किस पोजिशन पर आ गया था, जीरो की पोजिशन पर आ गया है। जीरो से वन माइनस नहीं होता, जीरो सिंगल जीरो जब बोरो करता है तो इट विल बी टू। ओके, तो टू से जब हमने वन माइनस कराया तो रिमाइंडर इज वन। ये वन बोरो देने के बाद कन्वर्ट हो गया था जीरो में, जीरो से जीरो माइनस कराया रिमाइंडर इज जीरो, वन से वन माइनस कराया रिमाइंडर इज जीरो। तो ये जीरो हम शो करें या ना करें इससे हमारे आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो सब्ट्रैक्शन के ये रूल्स आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज रखने हैं। जब तक सब्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा डिवीजन में डिफ़िकल्टी होगी। तो तीनों रूल्स जो है वो आपको उसी बेस पर हम आगे के लेक्चर में इंशाल्लाह लास्ट डिवीजन को परफॉर्म करेंगे।